जी नमस्कार। आज हम लेसन करेंगे थर्ड लेसन जो कि हिस्ट्री का चला हुआ है, नाइन्थ क्लास का। आज इसका लास्ट वीडियो है ये। यहाँ पर जैसे अब हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया उसके बारे में जब लास्ट में जब बताया जाता कि आम जनता और मानवता के खिलाफ क्या क्या अपराध किए थे, कि जैसे बहुत सारे लोग जो नाजी शब्दों के आडंबर थे उनके धुआंधार प्रचार का शिकार हो चुके थे, परंतु बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो उनकी भावनाओं को, मतलब उनकी जो शब्दावली है उसको समझते थे, वो मतलब उसका मतलब भी समझने लगे थे और उनके खिलाफ भी थे, उनके उनके भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास भी होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगाए थे, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया था। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। मतलब कुछ लोगों को ये विश्वास था, जैसे वो जैसे हेलमुट का पिता जैसे लोग थे उनको भी ऐसे ही विश्वास था। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी नहीं था, परंतु हर एक व्यक्ति नाजी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन मौत की आशंका के बावजूद नाजी वाद का जमकर विरोध भी किया। जर्मनी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़े घटना चक्र का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोध कदम उठाने, अपने मतभेद व्यक्त करने, नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देते थे। मतलब कुछ एक लोग ऐसे थे कि जैसे न्यूट्रल हो जाना, ना ही देखना कि क्या हो रहा है, न्यूट्रल होकर चल रहे थे। बेहतर मानते थे कि जैसे इसमें बताया कि जो पादरी निम्योलर है ने नाजियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाजी जो साम्राज्य है उनमें लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। गेस्टापो की जो ये एक कविता है कि पहले वे कम्युनिस्ट को ढूंढने आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढने आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए मैं चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढने आए, मैं ट्रेड यूनियन वाला भी नहीं था इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन जब मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर वे यहूदियों को ढूंढने आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंततः जब वह मेरे लिए आए तो मैंने वहाँ कोई नहीं तो मेरे लिए वहाँ कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि जो और थे वो तो सब जा चुके थे, मेरे लिए कोई खड़ा ही ना हो सका था। तो यहाँ पर ये जैसे एक कविता है ऐसे किसी ने लिखी है। फिर बताया कि जो नाजी जर्मन में है ना यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी थी। शर्लट बैरट ने अपनी डायरी में लोगों के सपने को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने यह डायरी पुस्तक के रूप में प्रकाशित की, पढ़ने वालों को झकझोर कर रख दिया था कि कैसे मतलब किस तरह के जुल्म किए जाते थे। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स शर्लट ने इस किताब में बताया कि इस समय के बाद कुछ इस तरह यहूदी भी इस बारे में नाजियों द्वारा फैलाई गई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। जैसे कि ये एक वो है जिसमें दूध आता है, दूध का जो बर्तन होता है वो है, इसके अंदर है ना लोगों ने जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे वो लिख के या इसके अंदर किताबें बना के उसके अंदर डाल के और ज़मीन के अंदर छिपा रखा था इसको। तो फिर क्या है होलोकॉस्ट के बारे में, कि होलोकॉस्ट क्या था कि नाजी तौर तरीके की जानकारी नाजी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मन से बाहर जाने लगी थी। मतलब कोई ना कोई तो जैसे कोई तरीका होता है कि वो चीज़ें बाहर जाएंगी ही, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाजा तो दुनिया के कोई युद्ध खत्म होने के बाद चला। मतलब थोड़ा बहुत तो आशंका हो गई थी, परंतु युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी के हार जाने के बाद ये पता लग पाया था कि क्या हुआ था। जर्मन समाज में मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उस भीषण अत्याचार और जो पीड़ाओं को याद रखे जिसने नाजी कतलेआम को से झेली थी। इन्हें कतलेआमों को महाध्वंस या होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। जैसे क्या था यहाँ पर बताया गया कि जैसे लोगों ने डायरियाँ बनाई, नोटबुक लिखी, वो अपने जो दस्तावेज हैं उनको संग्रह करके लिखा कि कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता।
फिर जैसे जब ये सब युद्ध शुरू हो गया था तो गांधी ने हिटलर को पत्र लिखा था कि तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जैसे जो युद्ध ऐसे ख़त्म करवा सकते हो। तो फिर एक 1939 में लिखा, फिर एक 1940 में जो पत्र लिखा था गांधी जी ने हिटलर को, ये उसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड लेसन है वो ख़त्म होता है, जो हिटलर के उदय के बारे में था और हिटलर के अंत के बारे में भी था। थर्ड लेसन हमारा कंप्लीट होता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर।